उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई अब धार्मिक तुष्टिकरण पर आकर सिमट गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अब तक तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है। दरअसल उत्तराखंड में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में जुमे की नमाज की छुट्टी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता हमेशा हरीश रावत पर हमलावर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में पूर्व सीएम हरीश रावत के कार्यकाल के दौरान जुमे की नमाज की छुट्टी के शासन देश का पत्र जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अकील अहमद ने प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही तो बीजेपी ने इस मुद्दे को भी लपक लिया। देखिए, ये कांग्रेस की नीति रही है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल तुष्टिकरण करती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा न्याय की बात की है, अन्याय किसी के साथ ना हो। आज जब हम चार धाम की बात करती है कांग्रेस, एक तरफ चार धाम की बात करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की, इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की पैरवी करती है, तो एक कांग्रेस की मानसिकता दर्शाती है कि चार धाम में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाकर क्या करना चाहते हैं। लेकिन हरीश रावत जी भी सहमति दे चुके हैं, दावा कर रहे हैं, और देवेंद्र यादव भी दावा कर रहे हैं कि वो दोनों ने सहमति दे दी। हरीश रावत जी पहले से ही इसके समर्थक रहे हैं और उनके समय में जुमे की नमाज पढ़ने की भी छुट्टी हुआ करती थी। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अकील अहमद सहसपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने वहां से आयेंद्र शर्मा को टिकट दे दिया। अकील अहमद बागी होकर चुनाव न लड़ने, इसके लिए प्रदेश प्रभारी ने उनसे बात की। अकील अहमद ने इसके एवज में कई मांग रखी, जिसमें उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात कही गई। अब अकील अहमद ने बयान दिया कि उनकी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात हुई, उन्होंने सभी मुद्दों पर अपनी हामी भर दी है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे तो मेरे नेता ने किसी ने ये नहीं कहा अभी तक, जो है मीडिया से सुनना में कि आपने जो है कोई बयान ऐसा दिया कि नहीं दिया। जो है मेरे आपका बयान हमारे पास भी है, वीडियो सुनना क्या होता आपने दिया है वीडियो, लेकिन मेरी मैंने जो मैंने आपसे बताया ना यही सत्य है। मैंने उसमें सारी डिमांडें रखी, मैंने आपको बताया, मैंने सहसपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास की बात नहीं करी। आप अभी कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं? हाँ, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो उपाध्यक्ष की ये डिमांड है कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। देखिए, मैं कब कर रहा हूँ, मैंने कहा, मैंने उसमें रखी शर्त, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यस नहीं करा अभी उसके लिए। ठीक है।